नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। रोजगार सृजन के उद्देश्य से हेमंत सरकार द्वारा राज्य में 3 महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू कराई गई हैं। इनमें से एक है बिरसा हरित ग्राम योजना। इस योजना के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले में 4000 एकड़ भूमि में फलदार वृक्ष लगाने का काम चल रहा है। 3840 एकड़ जमीन में कार्य प्रारंभ भी किया जा चुका है। उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि मनरेगा कार्य के तहत ही नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के तहत जिले में जितने भी कैनाल, नाला, ट्रेंच, शॉकपिट बनाने के कार्य में अच्छी प्रगति हुई है। 1100 से अधिक योजना का चयन किया गया है। वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना के तहत 250 खेल मैदान को विकसित करने के लिए चयनित किया गया है, जिसमें से 17 स्थानों पर कार्य प्रारंभ हो गया है। उपायुक्त ने कहा कि हमारी कोशिश है कि जिले के सभी पंचायतों में कम से कम एक या दो योजना का कार्य प्रारंभ किया जा सके। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों या जिलों से लौटने वाले श्रमिकों के लिए बेहतर रोजगार की व्यवस्था हो सके, इस दिशा में काम हो रहा है। जितने श्रमिक लौटे हैं उनमें से 6000 को मनरेगा का जॉब कार्ड उपलब्ध कराया गया है। जो लोग भी काम करने के लिए इच्छुक हैं, वह अपने प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया, पंचायत सेवक या रोजगार सेवक से संपर्क कर सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि फिलहाल करीब 30000 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है और जिला प्रशासन की कोशिश है कि इस लक्ष्य को बढ़ाकर 40000 तक किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस जिला में भी मनरेगा के संबंधित कार्य में काफ़ी तेजी आया है। विशेषकर 3 योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विशेषकर जो ध्यान देने के बारे में निर्देश हमको मिला है, वैसे योजनाएं विशेषकर बिरसा हरित ग्राम योजना, जिसके तहत हम लोग इस जिला में 4000 एकड़ में फलदार वृक्ष लगाने का कार्य भी लिए हैं। उसमें 3840 की संख्या में ऑलरेडी कार्य शुरू हो गया है। अन्य जगह पर भी कार्य बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। मनरेगा योजना के अंदर ही नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के तहत जितने भी हमारा जो कैनाल हैं, जो भी नाला है, उसका रिजुविनेशन करने के संबंध में हो, शॉकपिट बनाने के संबंध में हो, ट्रंच कम बंड का कार्य हो, इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रगति हुआ है। 1100 से ऊपर की संख्या में योजनाएँ इस श्रेणी में भी हम लोग लिए हैं। इसी तरह वीर शहीद पोटोहो खेल मैदान योजना के संबंध में भी यहाँ काफ़ी एक्सरसाइज किया गया है। 250 की संख्या में अभी शुरुआत के दौर पे हम लोग मैदान बनाने के संबंध में एरिया आइडेंटिफाई किए हैं। 17 जगह पे ऑलरेडी कार्य शुरू भी हो गया है। आने वाले दिनों में उम्मीद करेंगे कि हर एक पंचायत में इस तरह का कम से कम एक या दो इस तरह का मैदान योजना भी हम लोग कार्य उसमें भी शुरू कर दें। हम लोग कोरोना के लॉकडाउन के दौरान उन सभी को क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने के उपरांत उनको यहाँ रहने के समय में भी कुछ अच्छा रोजगारी की व्यवस्था हम लोग करें। इसी को आगे बढ़ाते हुए 6000 के ऊपर की संख्या में जितने भी मजदूर आए हैं उनमें से जो इच्छुक हैं उनको जॉब कार्ड भी प्रदान किया गया है। और भी इंटरेस्टेड जितने भी होंगे कृपया मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी या आपके मुखिया जी से आप बात करें, आपके पंचायत सेवक से संपर्क करें, ताकि आपको बहुत जल्दी रोजगार सेवक से संपर्क करें, ताकि आपको जल्दी आपको जॉब कार्ड भी मिले। अगर जॉब कार्ड रोजगारी आप डिमांड करें तो आपको मनरेगा के तहत वहाँ नज़दीक से नज़दीक जगह पे जो भी कार्य होगा उसमें आपको एंगेज किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के द्वारा जो हमें निर्देश प्राप्त है उसमें जो 3 बड़ी योजनाएं हैं नरेगा के अंतर्गत, उसमें एक है बिरसा हरित ग्राम योजना। उसमें बड़ी खुशी की बात है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा एकड़ कवर कर रहे हैं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग रोजगार दे पा रहे हैं और भविष्य में इसको स्वरोजगार से जोड़ पाएंगे, एक बड़ी उपलब्धि पश्चिमी सिंहभूम जिला के लोगों के लिए होगी। साथ ही साथ जो हमारे जो वीर शहीद रहे हैं यहाँ से, जो पूरे देश में नाम रोशन किए हैं और अंग्रेजों से लड़ाई लड़े हैं, उनके नाम पर एक पोटोहो खेल मैदान विकास योजना जो है, उसमें सबसे ज़्यादा खेल मैदान हम लोग लेने का सोचे हैं, क्योंकि वो हमारे ही जिला के शहीद रह चुके हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा पूरे राज्य में यहीं से हो, तो उसकी अभी सूची बन रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा खेल मैदान बन सके।
और यहाँ के लोगों को अच्छा एक सुविधा जो हम लोग उपलब्ध करा सकें। साथ ही जो तीसरा बड़ा योजना है वो नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना है, उसके तहत भी हम लोग काफ़ी एकरेज में यहाँ पर जल समृद्धि कर रहे हैं विभिन्न माध्यमों से। मेरा ज़्यादा फोकस है कि जो ऑलरेडी पठारी क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम, पानी रोको पौधा रोको के तहत जो हम लोग कर रहे हैं, तो पानी रोकने के लिए सबसे सफल जो योजना यहाँ पर मुझे दिखती है वो पठारी क्षेत्र में वो नाला का जीर्णोद्धार है, जिसमें छोटे छोटे पिट्स बनने हैं, वो हम लोग भारी मात्रा में लिए हैं और भी ले रहे हैं। कोशिश यही है कि इस बार का बरसात में हम लोग रन ऑफ वाटर जो है वो मिनिमम कर सकें। इसके साथ साथ नरेगा के अलावा भी हम लोग जो श्रमिक मजदूर हैं उनका एक बहुत बढ़िया डेटाबेस हम लोग बनाए हैं। उस डेटाबेस में उनका उम्र, उनका जेंडर, उनका नाम पता गांव तक, उनका मोबाइल नंबर और उनका स्किल, वो किस चीज़ में कुशल है, किन्हीं का कौशल जो है वो लेबर का है, किसी का टाइल्स मिस्त्री का है, किसी का इलेक्ट्रीशियन का है, तो अलग अलग स्किल्स का हम लोग एक मैपिंग कर रहे हैं। और हम लोग मिड जून में सोच रहे हैं कि GMDIC के साथ बैठकर एक यहाँ के जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं उनका भी एक लिस्ट बनाएं और एक मैपिंग कर सकें, ताकि ये प्रवासी मजदूर जो बाहर से यहाँ आए हैं उसमें एक कॉलम हम लोग रखें कि आप नरेगा में काम करना चाहते हैं और आपके पास ज़मीन है, हाँ या ना। तो अगर जो लोग नरेगा से जुड़ पाए तो जुड़ पाए, जो नहीं जुड़ पाएंगे उनको हम लोग MSME सेक्टर से जोड़ेंगे। साथ ही साथ पश्चिमी सिंहभूम जिला में 5 बड़े स्किल सेंटर्स चल रहे हैं, उन सब स्किल सेंटर में 3 महीना 6 महीना अलग अलग टाइप ड्यूरेशन का कोर्स है, उसमें भी हम लोग चाह रहे हैं कि इन श्रमिक मजदूर जो वापस लौटे हैं उसमें 3 महीना 6 महीना का ट्रेनिंग देकर अगर हम लोग उन लोग के लिए अस्थायी नौकरी की व्यवस्था कर सकें तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से लेह में फंसे संथाल परगना के 208 श्रमिक झारखंड लौटेंगे। श्रमिकों को 2 चरण में एयरलिफ्ट कराकर वापस लाया जाएगा। श्रमिकों का एक ग्रुप सोमवार की सुबह करीब 10 बजे रांची लाया जाएगा, जबकि दूसरा ग्रुप मंगलवार की शाम को रांची पहुंचेगा। सोमवार और मंगलवार को 115 श्रमिक लौटेंगे, जबकि बाकी के 93 श्रमिक शुक्रवार व शनिवार को वापस लौटेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से इससे पूर्व 60 श्रमिकों को लेह से एयरलिफ्ट कराकर झारखंड लाया जा चुका है। पश्चिमी सिंहभूम चैम्बर द्वारा आज पोस्ट ऑफिस चौक और नीमडी में व्यापारियों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। SDPO अमर कुमार पांडे के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में व्यापारियों को पंपलेट का वितरण किया गया, जिसमें व्यापारियों और ग्राहकों को जागरूक करने के लिए कई तरह के सुझाव दिए गए हैं। पंपलेट को दुकानों के बाहर लगाया गया। जागरूकता अभियान के दौरान पश्चिमी सिंहभूम चैम्बर के अध्यक्ष निरंजन अग्रवाल, कुणाल सराफ, विकास चंद्र मिश्रा, प्रभात दुद्राजका, ओम प्रकाश केड़िया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जिले में कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है। ट्विटर के जरिए झारखंड जनाधिकार महासभा के माध्यम से उपायुक्त अरवा राजकमल को जानकारी मिली कि चक्रधरपुर अनुमंडल क्षेत्र के कुछ गांव में क्वारंटाइन किए गए प्रवासी श्रमिकों को राशन का पैकेट नहीं प्राप्त हुआ है। उपायुक्त ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नजारत प्रभारी रवि कुमार को राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने बताया कि स्थानीय क्वारंटाइन केंद्र में वैसे लोग रह रहे हैं जिन्हें अपने घर में रहने के लिए उचित स्थान नहीं है, या फिर गांव वालों ने सामूहिक निर्णय के बाद उन्हें वहां रखा है। आज सोनुआ प्रखंड के तेरा गांव में एक व्यक्ति को, चक्रधरपुर प्रखंड के टोकलो गांव में 40 व्यक्तियों को, बनगांव प्रखंड के मतकोबेड़ा में 18 व्यक्तियों को और खुटपानी प्रखंड के दोपाय पंचायत में 9 श्रमिकों को सूखा राशन पैकेट उपलब्ध कराया गया। झारखंड में आज 14 कोरोना पॉजिटिव केस आया है, इनमें से 11 लोहरदग्गा, 2 जामताड़ा और 1 नया मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले का है। राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या 1042 पहुंच गई है, जबकि कोरोना से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। आज एक नया केस मिलने के साथ पश्चिमी सिंहभूम का आंकड़ा 22 पहुंच गया है। 6 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 16 लोगों का COVID-19 अस्पताल चक्रधरपुर में इलाज हो रहा है। रविवार को कोरोना का जो मामला सामने आया वह जरायकिला क्षेत्र का है। अभी के लिए बस इतना ही, कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।